हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे हम एचसीएफ, और एचसीएफ की जो परिभाषा है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसी परिभाषा के अनुसार हम क्या करेंगे, एचसीएफ को सीखेंगे। तो चलिए क्या है देख लेते हैं। एचसीएफ क्या है? वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। एचसीएफ या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। बात आ गई समझ में? हमको क्या करना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर लेना है। अगर अंतर सबसे कम है या तो अंतर ही हमारा एचसीएफ होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। जैसे अब यहाँ पर पहला एग्जांपल है, 20-25 का एचसीएफ क्या है। हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, अंतर लेंगे। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 20 का 25 का अंतर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से ये 20 भी कटेगा और 5 से ये 25 भी कटेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, क्लियर? क्या 5 से और भी कोई छोटी संख्या है जो 20 को भी काट दे और 25 को भी? 5 से छोटा 4 है। ठीक है, 4 20 को तो काट देगा लेकिन 25 को नहीं काट पाएगा। फिर उससे छोटा 3 है, 3 दोनों को नहीं काटेगा। फिर उससे छोटा 2 है, 2 आपका 20 को काट देगा, 25 को नहीं काटेगा। आ रही है बात सभी की समझ में? तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 ही आपका क्या हो जाएगा, 5 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, क्लियर? एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 5। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ रही होगी। एक बार इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ लीजिए। एचसीएफ वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। HCF या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। सबकी समझ में ये डेफिनेशन HCF की अगर आ गई है तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप HCF ना निकाल पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, उनसे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल है 24 और 90 का HCF बता दीजिए क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया, डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, या तो अंतर ही उनका एचसीएफ होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर एचसीएफ होगा या फिर उनका कोई गुणनखंड होगा, यही तो मैंने आपको बताया। देखिए अब मैं क्या करूँगा, दोनों का अगर अंतर लूँ यहाँ पर 24 का और 90 का, आप कहेंगे अंतर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 66 तो एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 66 से ना 24 कटेगा ना 90 कटेगा। पिछले क्वेश्चन में 5 आया था, उससे दोनों संख्याएँ कट रही थी लेकिन यहाँ पर नहीं कट रही हैं। जब HCF यहाँ पर जो अंतर हमने लिया है वो HCF नहीं है, तो क्या होगा, उसका कोई गुणनखंड HCF होगा। तो क्या करेंगे आप, 66 के करेंगे दोस्तों गुणनखंड। इतनी बात समझ में आई? तो 2 से 66 को कटाएंगे 33 बार में कटेगा, और 3 से 33 को कटाएंगे 11 बार में कटेगा, और 11 से 11 एक बार में कटेगा। तो गुणनखंड क्या क्या निकल के आए आपके, 2, 3 और 11, यही तो निकल के आए। ठीक है, 11 तिरिक्का 33, 33 दूनी 66 हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड निकल के आए। अब देखिए इनका क्या होगा, कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। देखिए अब 11 से मैं इसे कटाऊं तो 11 से कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब मैं 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूं, 2 तिरिक्का कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से आपका दोस्तों 24 भी कटता है, 6 से आपका 90 भी कटता है। सभी की समझ में बात आ रही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी की समझ में ना आ रही हो बात। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर 2 से भी आपका 24 कट जाएगा और 2 से 90 भी कट जाएगा, 3 से भी 24 कट जाएगा और 3 से भी 90 कट जाएगा। तो दोस्तों HCF क्या होता है उसके बारे में आपने अभी तक शायद जाना नहीं है। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, LCM और HCF दोनों पढ़ाऊँगा मैं आपको, लेकिन पहले HCF को समझिए। ठीक है, HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। 2 काट देगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा। और बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो काट रही है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों 6 है। 2 तिरिक्का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 काट रही है दोस्तों। अगर मैं 2 का मल्टीप 11 से करूँ 22 हो जाएगा, 22 से नहीं कटेगा। 3 का मल्टीप्लाई 11 से 33 से नहीं कट रहा। 2 कमल पे 3 से करने से बड़ी संख्या, यही तो निकल के आ रही है, जो 6 है 6 से 24 भी कटेगा और आपका 9 भी कट गया, 90 भी कटेगा। तो 6 ही क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर, HCF हो जाएगा आपका 6। सबकी समझ में दोस्तों अच्छे तरीके से आ गया होगा।
कोई बात नहीं, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो सब कुछ आराम से सीख जाएंगे। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, 72 और 90 का HCF बताइए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 72 का और 90 का अगर मैं HCF ले लेता हूँ, 72 का 90 का, 72 90 का HCF कितना आएगा? आप कहेंगे सर 18 आ जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे 18 आ जाएगा, क्या 18 से 72 और 90 कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा, 18 चौके 72 होता है, 18 पच्चे 90, तो 18 से 74 भी कट गया, 90 भी कट गया, 18 ही क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। क्लियर, HCF कितना हो गया आपका, 18 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर 18 से ये संख्या नहीं कटती तो फिर 18 के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जो यहाँ पर करके देखे थे। सबकी समझ में बात आ रही है दोस्तों, 18 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को काट रही है। समझ में आ रही है दोस्तों बात, 18 ही एक ऐसी संख्या है जो 72 को भी काट रही है और आपकी 90 को काट रही है। 18 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट देगी, 18 ही बड़ी संख्या है। तो HCF हमारा यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है 48 है 90 है 120 का HCF पूछ रहा है, 48 90 120 का HCF। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, जो आपको हेडिंग पढ़ाई थी मैंने HCF की, कि उन दो संख्याओं का अंतर लो जो सबसे कम हो, या तो अंतर ही HCF होगा या फिर अंतर का कोई गुणनखंड होगा, यही तो मैंने बताया। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर 48 का और 90 का क्या करूँ, अंतर लेता हूँ, 48 का 90 का अंतर लूँगा, 42 42 का अंतर आएगा, ठीक है। और मैं 90 का 120 का अंतर लूँगा तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 30 आ जाएगा। और मैं 48 का और 120 का अंतर लूँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा अंतर से कोई मतलब नहीं है, हमको तो सबसे कम अंतर चाहिए। तो सबसे कम अंतर क्या है, 90 का और 120 का 30, तो 30 तो आपका HCF नहीं होगा क्योंकि 30 से 90 कट जाएगा 120, लेकिन 48 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर भी कोई ऐसी संख्या होती जो 30 से कट जाती तो 30 हमारा HCF हो जाता, लेकिन यहाँ पर 30 से 48 नहीं कट रहा तो 30 हमारा HCF नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंतर कौन है, 30, तो 30 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 30 के दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणनखंड, 2 से कटाऊंगा सबसे पहले 15 बार में कटेगा, 3 से 15 5 बार में कटेगा, और 5 से 5 1 बार में। तो गुणनखंड इसके क्या निकल गया दोस्तों, 2 × 3 × 5, ये तो आपके गुणनखंड निकल के आगे। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो इन सभी को काट दे, 2 से तो कट ही रहे हैं, 2 से तो मतलब नहीं है, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। अगर मैं 2 का मल्टीपल 3 से करूं मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। 6 से 48 भी कटेगा, 90 भी कटेगा, 120। अब मुझे ये चेक करना है कोई और बड़ी संख्या तो नहीं है 6 से भी। 3 का मल्टीपल मैं 5 से करूँगा, 3 × 5 = 15 होता है। अब 15 से 120 भी कटता है, 90 भी कटेगा, लेकिन आपका 48 नहीं कटेगा, तो 15 आपका HCF नहीं हो सकता, ठीक है। 2 का 5 का मल्टीप्लाई रह गया, 2 × 5 = कितना हो जाएगा, 10। तो 10 से 90 भी कटता है, 120 भी, लेकिन 48 नहीं कटता, तो ये भी आपका HCF नहीं होगा। मैंने तीनों का निकाल लिया, 2 का 3 का मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, 2 का 5 का भी हो गया और 3 का 5 का भी हो गया। तो 6 ही एक ऐसी संख्या निकल के आई है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों संख्याओं को काट रही है। 6 से 48 भी कटेगा, 90 भी और 120 भी, तो 6 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, HCF आपका 6 हो जाएगा। सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा समझने में HCF। अब देखेंगे थोड़ा अगला और बड़ा एग्जाम्पल जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 48 90 120 और 126 का HCF क्या होगा। हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि हमको देखना है अंतर जो सबसे कम होगा। तो सबसे कम अंतर आपको यहाँ पर किस में दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर 120 और 126 का अंतर करेंगे तो 6 हो जाएगा। सबसे कम अंतर यहीं पर दिखाई दे रहा है, और बाकी की संख्याओं का आप अंतर करेंगे, चाहे 48 का 90 से कर लें 42 का आएगा, 48 का 120 से करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, 90 का 120 से करेंगे 30 का आएगा, इसके 126 से करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन सबसे कम अंतर जो आ रहा है वो 120 और 126 का आ रहा है, 6, ठीक है। तो हमने क्या बताया, या तो अंतर ही आपका HCF होगा या अंतर का कोई गुणनखंड। अब मैं देखिए 6 से कटाऊंगा, 6 से कटाऊंगा, 48 को पूरा करता है, 90 भी करता है, 120 भी करता है और 126 भी कटेगा, 6 दुने का 12 6 कम 6,
छः से ये सभी संख्याएं आपकी कट रही हैं तो छः ही क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, मतलब HCF कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ रहा है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब थोड़ी बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको बताएंगे। बड़ी संख्याओं का 2527, 1653, 2261 का HCF क्या होगा? तरीका वही है, आपको बस क्या करना है, सबसे कम अंतर लेना है, किन दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर आ रहा है। 2500, 1600 का अंतर तो करीब 900 के आसपास आएगा, ठीक है। 1653 का लेंगे, 2261 का लेंगे तो इसका भी दोस्तों कितना, करीब 600 के आसपास आएगा अंतर, ठीक है, इतना बात समझ में आएगी। लेकिन 2227 और 2261 का लेंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो कम आएगा, क्योंकि 2500 है यहाँ पर, 2200 है, तो हमको क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर लेना है जो सबसे कम आएगा। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का हम अंतर लेंगे, सबसे कम कितना आएगा, 266 इसका अंतर आ रहा है। 2527 में से 2261 को घटा देंगे, 266 का इनका अंतर आ जाए, तो 266 से आप कटाएंगे तो 27 नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या, तो सम संख्या से विषम संख्या कभी नहीं कटती, तो 266 आपका HCF नहीं होगा। जब HCF नहीं है तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लीजिए, 266 के आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से कटाएंगे 133 बार में कटेगा, और फिर आप कटाएंगे 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से कटाऊंगा, 3 चौके 12, 1 बचेगा 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से कटा के देखेंगे, 7 एकम 7, 6 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा, 63, 7 निम्मा 63, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 कटेगा, 7 निम्मा का 63, 19 बार में कटेगा, और 19 कितने से कटेगा, 19 से ही कटेगा एक बार में, तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या क्या निकल के आए हैं, 2 × 7 × 19, ठीक है। आप समझिए, 2 का मल्टीप्लाई में 7 का करूँ, 2 7 कितना, 14, तो 14 से ये कटेगा नहीं कटेगा, मैंने क्या बताया, सम संख्या थे कभी विषम संख्या नहीं कटती, तो 14 से ये संख्या नहीं कटेगी, 14 आपका HCF नहीं हो सकता, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 2 का करूँगा फिर 19 से, 19 दुनी का 38 हो जाएगा, तो 38 क्या है, सम संख्या, सम संख्या से कभी विषम संख्या नहीं कटती, ठीक है। 7 का करूँगा 19 से, 19 का मल्टीप्लाई जब मैं 7 से करता हूँ तो कितना आता है दोस्तों, 19 का 7 से करूँगा, 7 निम्मा का 63, 63 का 3 कैरी का 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 133, तो 133 से क्या ये सभी संख्याएँ कटेंगी, नहीं कट रही 133 से भी, जब 133 से नहीं कट रही हैं तो दोस्तों ये भी आपका HCF नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 19 से कटा करके देख लीजिए, फिर 2, 7, 9 में बड़ी संख्या क्या है, 19 से कटा करके देख लीजिए, जब आप 19 से कटाएंगे इसको तो 19 एकम 19, 4 बचेगा, 19 एकम 19 कट गया, 25 में से 19 कट गया, 6 बचेगा 62, ठीक है, 19 तिरिक 57 कितना बचेगा दोस्तों, 62 में 57 कटेगा, 5 बचेगा, फिर 57, फिर से 57 19 से कट जाएगा, इसे 19 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, और इसे 19 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो आपका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा 19। समझ में आ रही है दोस्तों बात, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच का अंतर लेंगे जो सबसे कम हो, या तो अंतर ही HCF होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, तो यहाँ पर गुणनखंड आपका अंतर है, HCF है 19। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48, 90, 120, 127 का HCF क्या होगा? हमको क्या करना है, अंतर लेना है दो संख्याओं के बीच में जो सबसे कम हो, तो सबसे कम अंतर दोस्तों कहाँ पर आएगा आप जानते हैं, 120 और 127 का अंतर करेंगे तो सबसे कम अंतर यहीं पर आएगा 7 का, तो 7 से आपका 48 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 7 आपका HCF नहीं हो सकता, तो 7 जब आपका HCF नहीं है तो क्या करेंगे, जब आपके इसके गुणनखंड करेंगे तो 7 दोस्तों 7 से ही कटेगा एक बार में, ठीक है, 7 एकम 7 कट गया तो इसके जो गुणनखंड आगे कितने आगे, देखिए 7 × 1, 7 एकम 7 होता है आप जानते हैं, 7 एकम 7 होता है, तो देखिए 7 से किसी संख्या को आप कटा करके देखिए 48 नहीं कटेगा, जब 48 नहीं कट रहा आपका, 7 से 90 भी नहीं कट रहा, तो 7 तो HCF नहीं होगा, लेकिन दूसरा गुणनखंड क्या है आपका, 1 है, तो 1 आपका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1 क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। समझ में आ गई दोस्तों बात, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, और HCF का आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो सारी बातें आपको अच्छे से आगे होंगी,
फिर से आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा HCF के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।